City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, मैं हूं अमित कल्ला और आप देख रहे हैं सिटी लाइव। सिटी लाइव के इस विशेष कार्यक्रम 8 डायलॉग में आप सभी का स्वागत है, आपका अभिनंदन है इस्तकबाल। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़े हैं, उदयपुर से शैल चोयल साहब हैं और संदीप सुमहेंद्र जी। संदीप जी, कलावृत जो संस्थान है उससे लंबे अरसे से आपका ताल्लुक रहा है और राजस्थान के जो कला गुरु, हम कहें कला गुरु, कला मर्मज्ञ डॉक्टर सुमेंद्र जी के आप पुत्र भी हैं। ये आपका सौभाग्य है और हमारा सौभाग्य है कि हम सब उनके स्टूडेंट हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है और चोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की इस विशेष वार्ता में हम लोग जो संदीप जी द्वारा एक जो कलावृत्त समायोजन आयोजित किया जा रहा है राजस्थान में, जो एक विशेष आयोजन है जिसमें कंटेम्पररी मिनिएचर्स को लेकर आगे अगले कुछ समय में काम होना है और पूरे देश भर में जिसको लेके भारी उत्साह है कि एक नवाचार जो कि मिनिएचर में होना है, तो संदीप जी उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप सुमन महेंद्र जी के 77वें जन्मदिन दिवस को मना रहे हैं। देखिए अमित जी, कलावृत्त की तरफ से पहले ज्यादातर मूर्ति कला शिविर आयोजित किए गए और उन मूर्ति कला शिविरों के का उद्देश्य जब रूप बनाया गया था उसका और था। गाजी के बाद से मैंने सोचा कि अब थोड़ा एक्सटेंशन करना चाहिए, मूर्ति कला के अंदर इतना ज्यादा स्कोप देने की ज्यादा इवेंट किए जाते, तो वो कला का विस्तार करते हुए मैंने पेंटिंग को और मिनिएचर को और कंटेम्परेरी पेंटिंग को इसके साथ जोड़ा। इस में मेरा उद्देश्य अब की बात ये रहा था कि मैं जो अपनी ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग है वो काफी उसका जो है सर्वे डाउन होता हो रहा है, लोगों की पसंद से भी वो दूर होती जा रही है, क्योंकि एक ही एक चीज को बनाए जाने के हर कलाकार अगर एक ही एक चीज बनाया जाएगा वो केवल राधा कृष्ण बनाया जाएगा या हाथी घोड़े ही बनाया जाएगा तो वो कितनी बार बनाया जाएगा उसके इसीलिए धीरे धीरे ये मिनिएचर आर्ट जो है हर जगह से दूर होती जा रही है। इसलिए मैंने इससे नया प्रयोग करते हुए सभी कलाकारों से बातचीत की और अपने साथियों से भी बात करी, कलाकारों से भी बात करी, तो यह बात सामने आई कि अगर इसके अंदर कुछ कलाकार अपना नया कुछ प्रेजेंट करते थे, कुछ कंटेम्परेरी काम अपना इसके इसी विधा को काम पर काम करते हुए अगर वो जोड़ते तो शायद इसमें कुछ नयापन आए, कुछ लोगों की पसंद जाकर तो बस इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने इस बार ये ऑनलाइन शिविर आयोजित किया ललित कला के साथ में। और शुरू के अंदर मेरे को भी इतना पता अंदाजा नहीं था कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा और अभी मेरे के लिए मुश्किल हो रही है कि किसको तो हाँ कहूँ और किसको ना कहूँ। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि कलाकारों का ये कहना है, हर उम्र के कलाकार इसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनका भी कहना यही है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने का हमको खुद को पहली बार मौका मिल रहा है। हम खुद अब वैसे चाहे कुछ भी बनाए लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ आपने विषय की भी पूरी आजादी छोड़ी, विषय भी हमने स्वयं चयन करना है और काम भी कंटेम्परेरी करना है, टेक्निक यूज करनी है मिनिएचर की, तो उनको भी बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं बड़ा चैलेंजिंग काम है और हम इसमें बहुत कुछ नयापन और कुछ बढ़िया सा इसके साथ जोड़ सकेंगे। बस इसीलिए आप देखते हैं फाइनली तो क्या रिजल्ट आता है। ओके, धन्यवाद संदीप जी। है उसके विभिन्न पक्षों में रही है, उदयपुर से
शैल चुहेल साहब, आपका स्वागत है इस पूरे कार्यक्रम में, और आप संदीप जी के साथ में जुड़े, कलावृत के साथ में आपका एक एजुकेशन रहा है, एक एक मेंटरशिप आपने कलावृत को दी है, तो उसको उसको सब ही हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। सर, ये जो प्रोजेक्ट है, ये कंटेम्प्रेरी मिनिएचर्स, इसको लेके आपका क्या विचार है, क्या आपका उसको लेके सोचना? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि भारत में लघु चित्र शैलियां या मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं, इसका एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला रही है, और लगभग अनेक राज्यों के अंदर ये कला प्रचलित रही। हमारे देश में दो ही तरह की कलाएं ऐसी रही हैं जो जनमानस के बीच में रही। एक तो मिनिएचर शैली के चित्र थे, हालांकि वो राजशाही से कनेक्टेड थे, लेकिन दूसरी चीज लोक कलाएं। हमारी लोक कलाओं का सम्मिश्रण हुआ कुछ विदेशी तत्वों के साथ में मुगल काल में, और हमारी इस मिनिएचर शैली ने मुगल काल से एक रूप लिया, और धीरे धीरे राजस्थान के, हिमाचल के, यानी इतिहास में नहीं जाए पर बहुत संक्षेप में बात करूं तो राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, इन सब एरियाज के अंदर, और फिर बाद में दक्षिण वगैरह में भी गए, इस तरह चित्र शैलियां विकसित हुई। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम ये बात करें, खास तौर से दोनों विश्व युद्धों के बीच में कला में जो मूलभूत परिवर्तन आए, कला की जो समझ पैदा हुई, जिसको हम चाहे आधुनिक कला कहें, लेकिन कला निरंतर एक प्रवाह में चलती है, और हमारे यहाँ पर मिनिएचर शैलियों के चित्र जो अधिकतर राजशाही राज दरबारों के अंदर सुरक्षित थे, आम जनता तक नहीं पहुंच रहे थे, वो चित्र शैली अचानक से मृत प्राय हो गई। मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि जब बंबई के अंदर आर्ट मूवमेंट किया था पैक ग्रुप ने, और कैलकटा में जब कैलकटा आर्टिस्ट ने मूवमेंट किया था, तब एक ग्रुप तो ऐसे, एक कुछ कलाकार तो इन ग्रुप्स में दोनों में ही ऐसे थे जिन्होंने ये बात करी कि पश्चिम में इतना कुछ हुआ है और हमें पोर्ट्रेट लाइफ स्टडी वगैरह पढ़ाई जा रही है सारे स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर, तो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। ऐसी स्थितियों के अंदर हमारी देश की कला का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो शुरू शुरू में तो सारी की सारी कला में जो है पश्चिम का बहुत जबरदस्त असर पड़ा, क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ नया था। हमारी मिनिएचर पेंटिंग जो है मृत प्राय हो चुकी थी, क्योंकि राजा महाराजाओं को ब्रिटिश स्टाइल के अंदर, यानी यूरोपियन एक्लेक्टिक स्टाइल के अंदर पोर्ट्रेट लाइफ स्टडीज बना के और लैंडस्केप बनवा कर रपनिया टांकना उनको लगता था बड़ा रियल है, जबकि हमारे यहाँ पर यह बहुत कॉमन बात है कि यथार्थ क्या है, वो सापेक्षिक है या वो माया है। हमारे मिनिएचर शैली के चित्रों में वे सारे तत्व मौजूद हैं। अगर कभी कोई सेमिनार हो, हमने ऐसी बात डिस्कस की भी है लोगों के सामने, कि हमारी मिनिएचर चित्र शैलियों के अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो पश्चिम में इंप्रेशनिज्म से और क्यूबिज्म से आगे बढ़ते हुए सरलिज्म वगैरह सब उनके कला आंदोलन हुए। बात यह है कि आजादी के बाद में हमारी कला ने जो स्वरूप लिया उसमें पश्चिम का बहुत बड़ा असर था, और ये इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने देशज भावनाओं की बात करी, और वो देशज भावनाएं बनते 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 70 के दशक में काफी प्रबल हुई। मेरे मित्र सुमहेंद्र 70 के दशक में ही मिनिएचर चित्र शैली में उन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनाए, हम दोनों में मैंने भी मिनिएचर शैली से प्रभावित होकर बहुत काम किया, और आज तक मेरे चित्रों में मिनिएचर चित्रों का प्रभाव है। लेकिन अगर हम दोनों को एक चित्र एक साथ रखें तो सुमेंद्र जी ने टेम्परा चुना, मैंने ऑयल कलर चुना। सुमेंद्र जी जो है चित्रों के अंदर फिगर्स के द्वारा अपनी बात कहते हैं, और बिल्कुल समसामयिक बात करते हैं।
उनके कई चित्र ऐसे हैं जो देखने पर चौंका देते हैं, लेकिन वो यथार्थ है, जीवन का यथार्थ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक चित्र में है, बनी ठनी शैली में चित्र है जिसमें कि कृष्ण राधा को एक कंडोम हाथ में दे रहे हैं। ये चित्र, इस चित्र के ऊपर दिल्ली में जनमान में काफी लेख भी आया था, इसका विरोध भी किया था लोगों ने। लेकिन देखिए कि वो जो कंडोम दे रहे हैं, उस वक्त दीवारों पर, सारे देश की दीवारों पर लिखा हुआ था, दो या तीन बस जगह जगह लिखा हुआ था, घर घर में बांटे जाते थे। तो ये जीवन का वो यथार्थ था जिसको उन्होंने, एक चित्रकार ने एक आदर्श जोड़े के साथ में वो चित्र जो है तो उसमें अपनी बात पेश करी। जरूरत इस बात की है कि 70 के दशक में कुछ, जैसे जय स्वामीनाथन साहब थे, डी आर संतोष थे, लक्ष्मण पाई थे, इन सब लोगों ने भारतीयता की बात करी कि भारतीय प्रेरणा। तो भारतीय प्रेरणा की बात करते हैं तो हमारा दर्शन, हमारी सोच, हमारा देखने का तरीका, हमारा धर्म कहीं से भी प्रभावित हो, लेकिन जीवन जो आज जी रहे हैं वो वहां पर मौजूद होना चाहिए, उसकी उपस्थिति होनी चाहिए आज के जीवन की। उसमें जो है दिक्कत ये हुई कि कुछ समय के लिए हमारे यहाँ पर जब पर्यटन बहुत उछाल पर आया, तो पर्यटन के समय के अंदर जितने भी जो श्रेष्ठ मिनीचर शैली के चित्रकार थे, वो हर शहर में 3 या 4 से ज्यादा नहीं थे। मैं उदयपुर में जानता हूँ, उदयपुर में घनश्याम जी थे एक अकेले, क्योंकि मैं साक्षी हूँ इतिहास में, क्योंकि वो फादर के उम्र के थे। नाथद्वारा के अंदर 3 या 4 पेंटर्स थे जो श्रीनाथ जी के अलावा भी मिनीचर पेंटिंग करते थे। एक वहां द्वारकालाल जी थे, एक रेवर शंकर थे, एक ये इंद्र शर्मा थे और एक बीजी शर्मा थी, 4-5 पेंटर्स थे। लेकिन अचानक से पर्यटन के साथ में उछाल आया, उछाल के अंदर हमारे यहाँ पर चित्रों की अनुकृतियां होने लगी। ललित कला, केंद्रीय ललित कला अकादमी ने पोर्टफोलियोज निकाले थे, कल खंडाला वाला, डॉक्टर मोदी चंद्र खजांची वगैरह ने, जो उनको खोल खोल कर उनकी मल्टीपल कॉपीज, 150-200 कॉपीज जो है वो होने लगी बाजार के अंदर। और वेस्टर्न टूरिस्ट, यूरोपियन टूरिस्ट को वो चीज बिल्कुल डिफरेंट लगी उसके यहाँ से, कि कितनी अलग है, तो वो खरीदने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ की मिनीचर शैलियां, जिन्होंने अपने जीवन को अपने समय में जिया था, वो केवल बाजार में बिकने की वस्तु रह गई। इस तरह से 70 में जो रिवाइवल हुआ, कुछ लोगों ने लकी किया और एक नई प्रेरणा के साथ में लोगों ने काम किया। मिनीचर शैली के चित्रों में तकनीक जरूर आप काम में ले सकते हैं, लेकिन आपका, आपकी अभिव्यक्ति आपकी अपनी होनी चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि वापस से कलाव्रत ने एक बीड़ा उठाया है, लोगों में चेतना पैदा की है कि मिनीचर शैली में समसामयिक काम हो। आज जीवन में क्या हो रहा है, जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे कुछ भी हो, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपका क्या नजरिया है, और चित्र में अगर आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं है तो वो कला नहीं है, वो बाजार के लिए मौजूद है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कलाव्रत को बहुत साधुवाद, दलित कला अकादमी को बहुत साधुवाद कि एक ऐसा टॉपिक उठाकर काम करवाया है कि जिससे हमारी मिनीचर शैलियों में लोग अंदर झांक कर उसके अच्छे अवयवों को, उसके अच्छे एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करें और अपनी अपनी अभिव्यक्ति दें। धन्यवाद। निश्चित तौर पे सर, जो आपने कहा, जो आपकी आपकी जो बात है, जिस तरह से आपने कंटेम्प्रेरी को इतिहास से जोड़ा और फिर इतिहास में से आपने सुमहेंद्र जी को बाहर, आपने उनके रेफरेंसेस को बाहर निकाला, ये बहुत ही प्रेरक रहा हम सभी के लिए। और ये इसको सुनना एक अपने आप में एक एक्सपीरियंशियल थॉट है। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक गुजारिश है आपसे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे नए कलाकार भी काम करेंगे और न केवल राजस्थान के बल्कि देश के तमाम जो हमारे प्रदेश हैं, सुदूर प्रदेश हैं, वहां से भी एंट्रीज आई हैं, वहां से भी पार्टिसिपेशन होगा जैसा संदीप जी ने बताया। उनके लिए सर आपका कोई ऐसा एक मैसेज
आपकी कोई नसीहत, क्योंकि ये मिनिएचर का मसौदा है, तो उसकी जो गंभीरता भी बनी रहे उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सब पार्टिसिपेशन बहुत संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि अपनी आसपास की विरासत को देखें और उसकी अच्छी बातों को पकड़कर अपनी बात कहें, यही कला है। यकीनन यकीनन ये बहुत ही मार्मिक बात आपने बताई। संदीप जी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? कोई ऐसी चीज जो हमसे छूट गई हो इस पूरी बातचीत में? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये पूरा है, अभी जो फाइनल जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद में एक चीज मैं जो सोच रहा था कि किसी को अगर जो काम किया गया है उसके 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 लिए उसको क्या क्या देना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। तो जनरली जो मैंने देखा कि तुम तो ट्रॉफिया वगैरह मैंने अवार्ड मैं थोड़ा उसमें नहीं था तो मैं से बैंक से और सब से और चर्चा होने के बाद में ये तय हुआ कि हम इसके अंदर 5 अवार्ड और वो 5 अवार्ड राज्य के वर्तम कलाकारों के नाम का सम्मान और इसी क्रम में हमने जो नाम रखे हैं वो है रामगोपाल विजयवर्गीय सम्मान, गोपाल सिंह शेखावती सम्मान, पी एन चौड़ेसा सम्मान, वेदपाल शर्मा बनूसी जो फिनिशर रेस्टोरेशन के बहुत बड़े कलाकार और हमारे देवकी नंदन सर, इन सबके नाम के सम्मान कलाकारों को के जिनकी श्रेष्ठ कलाकृतियां हैं उन्हें दिया जाएगा और इसके अलावा बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को सेलिब्रेशन दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उद्देश्य को लेकर के मैं हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और 8 दिन तक जो कलाकार इससे जुड़े रहेंगे अपनी अपना प्रेजेंटेशन करते तो कुछ अच्छा निकल के आएगा, कुछ अच्छा हमें देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे लोगों का सृजन हमारे सामने आएगा जो हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि हमने किस सोच से ये कार्यक्रम शुरू किया और ये वर्कशॉप शुरू की और हमारी उम्मीद से ज्यादा कलाकारों ने इसके अंदर अपनी अपनी रचनात्मकता का वो आगे लाने। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी चीजों को एक सार में पिरोया, सार में रखा, एक तत्व के रूप में हमारे सामने इस पूरे मसौदे को रखा। चोयल साहब ने पूरी हिस्ट्री को और अपने अपने कनेक्शंस की बात की। सर चोयल साहब से एक और प्रश्न है, सर ये मिनिएचर को हम मिनिएचर ही क्यों कहते हैं? क्या हमेशा से ये इसका जो साइज है या इसके जो सिमियोटिक्स हैं वो तय रहे, इसके मापदंड क्या क्या इसका क्या रहा? मैं समझता हूँ मेरा अनुभव है कि मिनिएचर को साइज से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के शहर के अंदर और जयपुर में भी मैंने 8-8 फीट के मिनिएचर देखे। अच्छा। 8 फीट बाई 4 फीट के कौन संग्राम सिंह जी जो नवलगढ़ के थे, नवलगढ़ प्रिंस थे उन, वो यहाँ आपके संसार चंद रोड पर रहते थे जयपुर में, उनकी घर पे फादर मुझे कलाकार थे मोनी सान्याल, हम तीनों को वहां पर इनवाइट किया गया था एक बार डिनर के लिए और वहां हम देखकर चौंक गए कि उनके घर में बाकायदा उन्होंने ग्लास के पीछे फ्रेम कर रखे थे बड़े बड़े वर्क्स। तो ये पहला वाकया था, उसके बाद संग्राम सिंह जी ने कहा कि हैदराबाद में भी उन्होंने देखे हैं ऐसे चित्र और उदयपुर में भी, आप प्रिंस से बात करो। तो उदयपुर में बहुत सालों तक प्रिंस मेरे से 1 साल सीनियर थे, कॉलेज में ही मैंने बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि वो सारे के सारे लॉक एंड की में रखे हुए हैं, उनके
कुछ केसेस चल रहे हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि वो प्रॉब्लम थी जब प्रीवी पर्स वगैरह बंद किया था उसके बाद में। तो बाद में उन्होंने ये चित्र जो है आप सिटी पैलेस म्यूजियम में लगाए हैं। आप 4x3 फीट के और 5x4 फीट के चित्र, कम से कम 20 चित्र ऑलरेडी डिस्प्ले पे हैं वहां पर जनाला महल के अंदर। टूरिज्म टूरिस्ट, हर टूरिस्ट देख रहा है उनको, और उनके ऊपर एक टॉम्स फील्ड ने किताब भी लिख दी है, किताब आ गई है मार्केट में और वहां पर भी अवेलेबल है। बात यह है कि मिनिचर है क्या। मिनिचर एक तरह की शैली है जो धीरे धीरे विकसित हुई है, और इसमें विदेशी तत्व भी ढेरों हैं। आप देखिए तैब्रिज से इसमें एलिमेंट्स आए ईरानी शैली के, आप देखिए बेजात से आए, ऑटोमन डायनेस्टी का भी इसमें इफेक्ट पड़ा मुगल पीरियड के अंदर। बाबर और हुमायूं तक ये चित्र जो है पूरी तरह से ईरानी चित्र रहे, लेकिन अकबर के समय में हमारी यहाँ चित्र शैली में परिवर्तन आए। क्यों आए? क्योंकि अकबर ने पूरे देश के अंदर जगह 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 जहां उनका सानिध्य हो गया वहां से उन्होंने आर्टिस्ट अपने एटेलियर में बुलाए, उनकी चित्रशालाएं बुलाए। अकबर को, हालांकि बाबर को भी बहुत शौक था, हुमायूं को भी शौक था, हुमायूं का पीरियड बहुत थोड़ा छोटा रहा था, लेकिन अकबर का इतना लंबा समय रहा कि अकबर ने, क्योंकि बहुत छोटी उम्र के अंदर वो बादशाह बने और काफी सालों तक रहा, और उन्होंने अपने फ्यूचर में जहांगीर में भी वो इनकलकेट किया वो टेंडेंसी की। मैंने बड़े गीति सेन हैं दिल्ली की, उन्होंने अपने उसमें अकबरनामा के अंदर बाकायदा मेंशन किया है कि इट वॉज कंपल्सरी फॉर जहांगीर टू गो फॉर 1 आवर पीपल हाउ दे आर वर्किंग। तो कैसे एजुकेट किया है अपने बच्चों को भी, तो पूरी टेंडेंसी भी वहां मुगल काल के अंदर। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमेशा ये कला जब से अकबर के समय में चालू हुई, अकबर के समय में सिंथेसिस हुआ पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, इवन दक्षिण, यहाँ के जितनी भी लोक कलाएं थी उनका मिक्सचर हुआ, वहाँ के कलाकार वहां पहुंचे उनके चित्रशाला में। वो भी ईरान से इतने सारे कलाकार तो लाए नहीं थे, कुछ गिनती के कलाकार थे, बाकी सब देश के कलाकार थे। इनको टेक्निक सिखाई गई, लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो हमारे यहाँ कंटेंट भी, आई मीन सब्जेक्ट मैटर बोलिए, कंटेंट तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है हर एक आर्टिस्ट का उसमें एडिशन हुआ। और चूंकि अकबर की चित्रशाला में ढेरों चित्रकार थे, ढेरों, तो इतना अमलगमेशन होके एक खास रूप बना। उस रूप के बाद में जहांगीर का समय आया तो उसमें फिर चेंजेस आ गए, शाहजहां के टाइम में आया फिर चेंजेस आया, जैसे स्याह कलम शाहजहां के टाइम में आई। तो इस तरह से हर समय के अंदर कला ने अपना रूप बदला। ये कैसे हो सकता है कि तब से चलता चलता राजस्थान में, मेवाड़ में, बूंदी में, बीकानेर में, किशनगढ़ में या हैदराबाद में जो दक्षिण शैली थी वहां पर, यहाँ के सब एक जैसे चित्र कैसे हो सकते हैं? शैली वही मिनिएचर है, वही ब्रश है गैलरी के बाल का, वो उल्टा चलने वाला उसी से काम होता है, चाहे वो पर्दा दे रहा हो, चाहे वो रेखा खींच रहा हो, चाहे वो कलर फील्ड एरिया के अंदर कलर भर रहा हो, शैली वही है। तकनीक वो है, सॉरी शैली नहीं, तकनीक वो है, लेकिन तकनीक को अपने समय में कलाकार ने अपने परिवेश से जिया है। तो क्यों आज हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए केवल अनुकृतियां करें अपने मास्टर्स की? शैली आप तकनीक अपनाइए, लेकिन बात तो अपनी कहिए और आत्मविश्वास रखिए। सुमेंद्र जी भी बहुत अच्छी तरह से जिए थे, कोई तकलीफ नहीं थी, मैं भी जी रहा हूं और फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा हो। धीरे धीरे लोग जो है सुसंस्कृत कला में सुसंस्कृत हो रहे हैं, कला से सरोकार कर रहे हैं, कला को देख रहे हैं, कला को समझ रहे हैं, और यहाँ पर भी आर्थिक दृष्टि से कलाकार ऐसा तकलीफ में नहीं रहेगा जैसा कि मन में आम पेरेंट्स के सोचे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे आम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कलाकार बनना है, आज लड़का हाथ से गया, लेकिन ये जीवन को समझने दो, उसको उसको जीवन को देखने दो। तो संक्षेप में मैं बहुत कुछ ज्यादा बोल गया हूं, लेकिन मेरा आशय ये है कि तकनीक आप कोई भी इस्तेमाल करिए, आप चाहे
ऑटोमेटिक आरी काम में लीजिए, चाहे हाथ की आरी काम में लीजिए, अगर आप स्कल्पचर बना रहे हो आप चीजल काम में लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल चीजल काम में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप अपनी बात कहिए, आप क्या सोचते हैं, आपका परिवेश क्या सोचते हैं, आपका सारा वातावरण के प्रति रिएक्शन क्या है, वो प्रतिक्रिया आपकी कला में छलकनी चाहिए। और अगर आपकी कला व्यक्तिगत हो गई तो वो सार्वभौमिक होगी, ये ध्यान रखिए, वो व्यक्तिगत नहीं रहेगी, वो सार्वभौमिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपके जीवन का अनुभव है। ये बात वाकई में सर बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपकी जो कला है, किसी की भी जो कला है, वो सही अर्थों में अगर व्यक्तिगत होती है तो वो सार्वभौमिक हो। ये एक बड़ा मसौदा है और एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो कि सेल्फ की बात भी जिसके अंदर होती है, और वो सेल्फ बहुत गहरा है, और वो सेल्फ ऐसा है जो एक हमें 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 व्यष्टि से समष्टि की तरफ लेके जाता है, उससे जोड़ता है। संदीप जी, आपने इसमें कोई कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है, कोई तय किया है कि भाई किस तरीके के काम ही इस पूरी कार्यशाला में करवाए जाएंगे या लिए जाएंगे, कोई साइज को लेके या को लेके? नहीं, हमने साइज के हिसाब से कोई पाबंदी नहीं रखी है, हमने उस चित्र के आकार के लिए भी कोई पाबंदी नहीं रखी है। हमने केवल एक ही बात सभी कलाकारों से कही है कि आप पुरानी तकनीक को यूज करते हुए अपना नया सर्जन करें, तो मेरे ख्याल से हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जो पेंटिंग एक तरह से बनती भी पसंद से बाहर होती जा रही है, उसमें नई कला के लिए या उसमें नया लाने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने जरूरी है, कुछ वर्तमान की बातें करना जरूरी है, जो अच्छे चित्रकार करने की कोशिश करेंगे और आप देखते हैं कि इसमें क्या बनते बच्चे सामने हमारे आता है। टोटल मैं बात करूं तो सभी राज्यों से मिलाकर के मेरे पास तो बहुत आया है, लेकिन अभी हमारे हिसाब से करीब करीब 80 आर्टिस्ट इसमें काम करते हैं, और उसमें हर उम्र के कलाकार हैं, मतलब कुछ मुझसे बड़े भी हैं और कुछ कॉलेज स्कूल कॉलेज स्तर के भी जो करा छात्र हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। अब इतने लंबे डिस्टेंस के हिसाब से क्या अभिव्यक्तियां वो अपनी वो बना बना करके और उसको व्यक्त करके हमारे सामने पेश करेंगे, ये देखना बड़ा मतलब सोच करके जो बात दिमाग में आ रही है कि उस समय कितना मुश्किल होगा कलावृत की चयन समिति के लिए, ये उसी में से सबको चित्र को चुन करके और उसको सम्मानित नहीं करना है, तो बस बढ़िया कुछ अच्छा जो जो चीज हम सोचकर के चले थे उसमें हम सफल हैं, इसी के साथ में मैं बात रोकता हूँ। शुक्रिया संदीप जी। चोयल साहब, अब जाते जाते आपसे अंतिम पड़ावों में हम लोग हैं, तो एक प्रश्न हमारे भीतर था कि ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई इंसिडेंट जो जो आपका और सुमहेंद्र जी का रहा हो, जिसे आप हमारे जो अन्य कला के जो मैं कहूंगा कि क्वेस्ट जिनके भीतर है उस कला की, उनके साथ में आप शेयर करना चाहें, उनकी सुमहेंद्र जी की कोई चेतना को लेके आप क्या कहना चाहें? एक बात पर बहुत बहस होती थी, शाम को उनकी छत पर बैठते थे जब भी मैं जयपुर जाता था, और उस बहस का मुद्दा ये होता था कि कंटेम्पररी आर्ट के नाम पे यूरोप में सबको बेवकूफ बनाया है, ये वो इस पक्ष में होते थे, और मैं कहता था कि मिनिएचर पेंटिंग में आजकल बहुत बहुत बेवकूफ बना रहे हैं लोग
क्योंकि मिनिचर पेंटिंग में नकल होती थी। बात यह है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर म्यूजियम्स नहीं है देश के अंदर, ये बड़ा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि मैंने यूरोप के अंदर छोटे छोटे शहरों में जहाँ की पॉपुलेशन 10 से 12 हजार है, वहाँ पर भी म्यूजियम देखे हैं। तो म्यूजियम नहीं होने से लोग एजुकेट नहीं हो पाते, और म्यूजियम नहीं तो आर्ट गैलरी की तो कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आर्ट गैलरी तो एक वेंचर होता है, क्योंकि क्लाइंटेल नहीं है तो बेचारा कब तक सस्टेन करेगा एक आर्ट डीलर। तो ऐसी स्थितियों के अंदर इंफॉर्मेशन पूरी पूरी पहुंचती नहीं है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का शौक रहा है। तो मैंने उनसे बहस करी, मैंने कहा देखो ऐसा है कि एक समय ऐसा बता दो यूरोप के अंदर नियो क्लासिसिज्म से आगे बढ़ते हैं, हालांकि उससे भी पहले बातें हैं, लेकिन हम फ्रेंच में फ्रांस के अंदर नियो क्लासिसिज्म से आगे बढ़े, उसी तरफ नियो रियलिज्म भी है कुर्बे का, और उसी तरफ जो है ये भी चल रहे हैं, दाबीज वगैरह भी चल रहे हैं, एंगर भी चल रहे हैं। आप देखिए कि धीरे धीरे कला ने हमेशा रूप परिवर्तन किया है, लेकिन कैमरा ने कितना बड़ा चैलेंज किया था। कैमरा जब आया तो जो आर्टिस्ट स्टूडियो के अंदर और आउटडोर में से स्केच करके लाना, स्टूडियो में आके उसको पेंट करना और करके उसको दो दो तीन तीन महीने एक पेंटिंग में लग गए, और कैमरा ने तो यो क्लिक करके खींच दिया, और वो कैमरा धीरे धीरे कलर फोटोग्राफी भी होने लग गई। तो जो कुछ वो पेंट कर रहे थे, जिस तरह के जो मैनर उनका था पेंट करने का, उसको अंत होते देखकर इम्प्रेशनिस्ट के टाइम में एक दूसरी आग निकली। उन्होंने जापान के कुछ प्रिंट्स जो की पॉटरीज के ऊपर लिपट कर आए थे वो देखे, चाइनीज आर्ट उनको देखने को मिली, उन्होंने कहा कि आर्ट तो टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है ही नहीं। अब ये सारी बहस होते 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 हर समय इधर युद्ध मंडरा रहा है, और मैं राधा कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए पेंटिंग बनाता रहूं और सामने युद्ध होने वाला है, कैसे संभव है? मेरे सामने एक बच्चा भूख से बिलख रहा है और मैं उठा के उसके अंदर डिनर पे एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली खाना खा रही है ये चित्रित करता हूँ। अभी तो मैं वो देख के आया हूँ। मैं कई बार एग्जाम्पल देखता हूँ कि एक बच्चा कोई स्कूल कॉलेज एग्जाम देने आ रहा है और रास्ते में उसका साइकिल एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी लगती नहीं है, थोड़ा बहुत खून निकलता है, लेकिन वो इम्तिहान दे सकता है, लेकिन उसका ट्रॉमा उसको इम्तिहान के अंदर कितना नुकसान पहुंचाता है, आप समझिए। तो हम अगर अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं तो भावनाएं हमको चित्र के अंदर निकल कर आती हैं। दुर्भाग्य ये रहा है कि दोनों अपने जर्मन एक्सप्रेशनिज्म को लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है। वो एक बड़े गहरे अध्ययन की चीज है, और हमारे यहाँ पर जितनी भी आर्ट स्कूल्स हैं उनके अंदर आर्ट हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती थी, और कुछ और जो एक्चुअल में जो आर्टिस्ट होते थे उनमें बहुत कम, हमारे जैसे पागल लोग होते हैं जो बैलेंस रखते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ भी ले, लेकिन आमतौर पर वो अपनी साधना में, कला साधना में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम होती है। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम में काफ़ी बहस करते थे, रात को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक बहस चलती रहती थी। तो ये होता था क्योंकि मैं एक दो रोज के लिए जयपुर जाया करता था। अभी भी वही हाल है मेरा कि बहुत एक आध दो रोज के लिए आता हूँ जयपुर कोई काम से। तो लेकिन मैंने उनको इस बात के लिए काफी कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं, कलाकारों ने जो कुछ भी जीवन में किया है उसके पीछे उद्देश्य था, और अपनी अभिव्यक्ति को उस उद्देश्य से उन्होंने जोड़ा है। कोई भी झूठा कलाकार नहीं है, झूठा है तो कलाकार हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ के मिनीचर, क्योंकि तब मिनीचर पेंटिंग में वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सुमेल, और उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका था इस बात के लिए, ललित कला अकादमी ने उनको पुरस्कार कर चुकी थी। तो उस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद में उनमें एक कॉन्फिडेंस आया था कि वो जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं वो मान्य है। तो ये बहस हमारी काफी निरंतर रही, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार हॉबी पेंटर्स के साथ में ये हो जाता है कि वो आधुनिक कला को मिसअंडरस्टैंड करके कुछ भी कर दिया, और फिर कहानी कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये आदमी जा रहा था, ये गिर गया, इसको किसी ने चाकू मार दिया। हमारे यहाँ ऐसे उदयपुर में भी किया है लोगों ने
की एक पेंटिंग बनाई, उसमें लाल रंग टपकाया, ऊपर से चाकू घुसा दिया कि मर्डर, ठीक है भाई मर्डर। और दूसरा चित्र फिर जो है बड़ा खूबसूरत पिक्चरों का लैंडस्केप बना है, वो कड़ी कहीं नहीं है। तो ये बहस तो निरंतर चलती रहेगी, सुमेंद्र जी के साथ में नहीं, अभी भी होती है, अभी उन मित्रों के साथ होती है जो कला के डिसिप्लिन से नहीं, लेकिन उनको हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई कला भी, कलाकार भी कुछ कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने केवल इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने नॉलेज नहीं दी, आपने जो कुछ बोला, जो आपने कंटेम्पलेट किया, उसका उसका एक विजडम के रूप में, उसका एक, एक एक सार के रूप में, उसके तत्व के रूप में हम तक वो पहुंचा है। सो ये बहुत ही विजडमफुल बातचीत रही हमारी, और हम लोग शुक्रगुजार हैं ज्वेल साहब के और संदीप जी आपके भी, क्योंकि जो आपने जो बेड़ा उठाया है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के तमाम कलाकारों को, कंटेम्पररी आर्टिस्टों को जो आप मिनिएचर की तरफ लेके जा रहे हैं, और जिस तरह से आपने बड़े बुजुर्गों को साथ में लिया, सरदार प्रेम सिंह जी एक दिन हमारे साथ में थे, अखिलेश जी हमारे साथ में थे लखनऊ से, तो जैसे आप सबको जोड़ रहे हैं, आप तमाम मोतियों को जिस तरह से पिरो रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.